हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। आप सब लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, वो पार्ट देखेंगे। फिर उसके बाद धीमे धीमे धीरे धीरे से अगले पॉइंट को देखते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस फार्मूला, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस फार्मूला, ठीक है। तो इसको आज हम देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन और कंडेंस्ड फार्मूला। फिर उसके बाद हमने देखा हाउ टू ड्रॉ अ मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी थी। आज देखेंगे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। तो फिशर प्रोजेक्शन में भी हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। थ्री डायमेंशन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इन फिशर प्रोजेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशन, है ना, ऑन अ प्लेन पेपर, है ना। प्लेन पेपर पे क्या करते हैं हम लोग, दिया हुआ मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब थ्री डायमेंशन में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हमें देखना है कि कोई भी कार्बन की चेन हो, है ना, कोई भी कार्बन की चेन हो तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो कि ऐसे कोई कार्बन की चेन है आपके पास, CH3C, यहाँ पे ये OH है, और आगे ऐसे ही क्या हो रहा है, मान लो COOH, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, है ना। ये स्ट्रेट चेन है, कार्बन की कैसी चेन है, स्ट्रेट चेन। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन की जो स्ट्रेट चेन है उसको वर्टिकल लाइन में लेंगे। कैसे लेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, कार्बन चेन इन वर्टिकल लाइन। जैसे मान लो कि इसी चेन को मैं वर्टिकल फॉर्म में ले लेता हूँ, जैसे COOH यहाँ पे होगा, है ना, CH3, है ना, COOH CH3। अब ये जो बीच वाला कार्बन है तो ये बीच वाले कार्बन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या बताएगा, दिस इज कार्बन सेंटर, ये क्या रहेगा, कार्बन सेंटर, ठीक है। अब ये स्ट्रेट चेन हमने वर्टिकली ले ली, है ना, स्ट्रेट चेन को कैसे ले लिया हमने, वर्टिकल। अब बचा OH, तो इसको OH को यहाँ पे ले रहा हूँ और ये H यहाँ पे, तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन। अब इसके अंदर में जो स्ट्रेट चेन हमने वर्टिकल फॉर्म में ली है, स्ट्रेट लाइन कैसे ली है, वर्टिकल फॉर्म में, और जो बचे हुए जो साइड में कार्बन पे अटैच जो हाइड्रोजन और OH है तो उनको हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने लिया है। कैसे लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। एक तो आपको समझ में आया कि स्ट्रेट चेन जो होगी, कार्बन की चेन जो होगी, तो कार्बन की चेन को कैसे लेना है, कैसे लेना है, वर्टिकल फॉर्म में लेना है, ठीक है, वर्टिकल लाइन में, ठीक है, चलिए। और जो बचे हुए जो होंगे तो वो कैसे आएंगे, हॉरिजॉन्टल में आएंगे, ठीक है। अभी दूसरी चीज़, अब ये तो हमने सिंपली बता दिया, लेकिन अब यहाँ पे हम जब थ्री डायमेंशन अगर से देखेंगे तो कौन जो कार्बन से अटैच होने वाले, जो जैसे OH है, हाइड्रोजन है, तो कौन अबो द प्लेन होगा और कौन बिलो द प्लेन होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आएगी, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको नज़र आएगी तो ये रहेगी अबव द प्लेन, है ना, ये कैसी रहेगी, अबव द प्लेन। मतलब मान लो कि ये प्लेन ऑफ द पेपर है, है ना, प्लेन पेपर है हमारा। तो प्लेन पेपर पे हमने क्या किया कि कार्बन की स्ट्रेट चेन को वर्टिकल फॉर्मेट में लिखा, ठीक है, ये प्लेन टू द पेपर हो गया। अब है ना, ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, ये कैसे हैं, प्लेन टू द पेपर, मतलब इसी फॉर्मेट में आएंगे, ठीक। अब जो बचे हुए जो होंगे तो इसके अंदर में ये कार्बन, है ना, सेंट्रली लोकेटेड कार्बन कैसा होगा, प्लेन टू द पेपर। अब यहाँ पे ये कार्बन और इस कार्बन, दो कार्बन की बात करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पे जो टर्मिनल कार्बन्स होंगे तो वो टर्मिनल कार्बन्स कैसे होंगे, बिलो द प्लेन होंगे, मतलब इस बोर्ड के पीछे नज़र आएंगे, इस बोर्ड के पीछे रहेंगे, है ना, ये जो प्लेन लिया है हमने तो इसके पीछे रहेंगे। और ये जो दो हॉरिजॉन्टल में नज़र आ रहे हैं तो ये कैसे होंगे, बोर्ड के सामने होंगे, सामने होंगे,
है ना, अबव द प्लेन होंगे। ये दो कैसे होंगे, अबव द प्लेन, और ये दो कैसे होंगे, बिलो द प्लेन, प्लेन के पीछे जाएंगे, है ना, और ये प्लेन के सामने साइड में, है ना, सामने आएंगे। ठीक है, तो अगर से मैं इसको वेज फार्मूले में अगर से लिखूँ, है ना, ये तो हो गया हमारा फिशर फार्मूला, फिशर रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलेंगे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन या फिशर फार्मूला रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसी को मैं वेज फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब वेज फॉर्म में आपको क्लियरली नज़र आएगा कि कौन अबव द प्लेन है और कौन बिलो द प्लेन है ना। अब यहाँ पे जो कार्बन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस कार्बन को ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, ये कार्बन मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मैंने ये हाइड्रोजन और OH जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ये क्या होते हैं, अबव द प्लेन होते हैं, है ना, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, देखो। ठीक है ना, वेज से, है ना, ठीक है, सॉलिड वेज से करूँगा, तो ये मेरा OH होगा, और इस साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, सॉलिड वेज से ही रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये मेरा हाइड्रोजन होगा। अब बचा क्या मेरे पास, COH और मिथाइल और एसिडिक ग्रुप, तो ये दो कैसे होंगे, बिलो द प्लेन, तो इसको हम क्या करेंगे, डैश वेज से बताएंगे, तो ये क्या होंगे, COOH, और ये भी कैसे होगा, ये क्या होगा, CH3, ये भी डैश वेज से बता रहे हैं, है ना, डैश लाइन से, और ये डार्क लाइन से बता रहे हैं। तो ये डार्क लाइन क्या बताती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, अबव द प्लेन होते हैं, और ये क्या होते हैं, बिलो द प्लेन, मतलब जब अगर ये मॉलिक्यूल को आप अगर से देखना चाहें, है ना, तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये दो जो आपको नज़र आ रहे हैं OH और EH, ये क्या होंगे, आपके साइड में नज़र आएंगे, जी आपके साइड में, मतलब आपके तरफ नज़र आएंगे, है ना, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर बोलेंगे उसको, दे आर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, एंड दीज टू आर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है उससे ये दूर जाएंगे और ये नज़दीक आएंगे, सामने साइड में नज़र आएंगे, ये पीछे साइड में नज़र आएंगे। बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है ना, तो ये फिशर प्रोजेक्शन है और इसको बोलेंगे वेज, है ना, वेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेज फार्मूला बोलेंगे इसको, ठीक है, और ये फिशर प्रोजेक्शन होगा। तो कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में याद क्या रखना है कि कार्बन की चेन को वर्टिकल फॉर्म में लेना है और बाकी क्या करेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल लाइन में लेंगे, ये वर्टिकल में और ये हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में जो होंगे तो उसको डार्क से बताएंगे, मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अबव द प्लेन, और जो डॉटेड फॉर्म में लिखा है हमने, डैश फॉर्म में, तो वो कैसे होंगे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दैट मीन्स बिलो द प्लेन होंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग दूसरे भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई फार्मूला दूसरा लिखता हूँ, जैसे मान लो ये COOH, यहाँ पे कार्बन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्म में, और आपको यहाँ पे ये CH3, ये OH, ये भी OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये क्या रहेंगे, दो कार्बन रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये, दो कार्बन। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फिशर प्रोजेक्शन में, है ना, ये कैसे, है ना, ये क्या होंगे, बिलो द प्लेन जाएंगे, पीछे जाएंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होंगे, अबव द प्लेन आएंगे। तो अगर चीज़ को ड्रॉ अगर से करना है तो क्या करेंगे, ड्रॉ करने के लिए तो पहले तो मैं दो कार्बन निकाल लेता हूँ, ये वाले, ये दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये दो हो गए मेरे। अब यहाँ पे तो बॉन्ड है नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, ये बॉन्ड हम सिंगल बॉन्ड से नज़र बता सकते हैं। अब ये क्या होगा, अबव बिलो द प्लेन होगा, इसको डैश लाइन से बताइए, COOH। ठीक है, यहाँ पे भी CH3 है तो इसको भी डैश लाइन से बताइए। ठीक है, वर्टिकल में जो आएंगे तो वो क्या रहेंगे, क्या होंगे, बिलो द प्लेन जाएंगे। अब यहाँ पे जो OH नज़र आ रहे हैं तो इसको सॉलिड वेज से बताइए, तो ये OH होगा आपका। यहाँ पे भी एक सॉलिड वेज से बताइए, तो ये भी आपका क्या होगा, OH होगा। ठीक है, इस साइड में भी आपका क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये भी इस टाइप से। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन, और ये रहेगा वेज रिप्रेजेंटेशन, फिशर फार्मूला रिप्रेजेंटेशन और वेज फार्मूला रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आ रही, ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे। तो चलिए, इसको कहेंगे फिशर प्रोजेक्शन, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, मतलब क्रॉसिंग हो रही है, एक वर्टिकल जा रहे हैं, कुछ वर्टिकल जा रहे हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, ऐसे, तो इसको क्रॉस फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन, आगे देखेंगे
न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसको इरेज कर दें, फिर उसके बाद न्यूमन प्रोजेक्शन देखेंगे हम लोग। आप इसकी प्रैक्टिस करिए घर पे, ठीक है। चलिए इरेज कर देते हैं इसको, अब देखेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन के बारे में। चलिए है ना, अब देखेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन के बारे में है ना, NEWMAN न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। तब न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला भी हम थ्री डायमेंशन में लिखते हैं, ठीक है, थ्री डायमेंशन ऑन अ प्लेन ऑफ पेपर है ना। न्यूमन प्रोजेक्शन भी कैसे लिखा जाता है, प्लेन ऑफ पेपर थ्री डायमेंशन में ही बताते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज ये करते हैं कि मान लो कि दो कार्बन है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है, जैसे सिंपल फॉर्मेट में बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हमें दो नज़र आ रहे हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स तीन और तीन छः नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि फ्रंट कार्बन जो होता है ना, फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन को पॉइंट से बताया जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए, तो ये फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन क्या होता है, मतलब रेयर और फ्रंट, फ्रंट वाला कार्बन और रेयर वाला कार्बन है ना। फ्रंट कार्बन को याद रखिए, फ्रंट कार्बन को डॉट बताया जाता है। फ्रंट कार्बन को कैसे बताएंगे, डॉट डॉट से बताएंगे। और ये तीन हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 बराबर, ठीक है, ये 1 2 3 ये फ्रंट कार्बन बता रहा हूँ। अब रेयर कार्बन को क्या करते हैं हम लोग कि ऐसे क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा कार्बन होगा, सेकंड कार्बन होगा, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे रेयर कार्बन सर्कल के फॉर्म में लिखा है। अब रेयर कार्बन को सर्कल के फॉर्म में लिखने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं कि हाइड्रोजन बताते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन बना रहे हैं। चलिए मैं दूसरे फॉर्मेट में आपको बताता हूँ, यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि फ्रंट कार्बन को हमने डॉट फॉर्म में लिया और डायरेक्टली कार्बन को अटैच कर दिया हाइड्रोजन से, है ना। लेकिन सेकंड कार्बन जो पीछे वाला कार्बन होगा, ये डॉट वाला कार्बन सामने रहेगा, जिसको हम फ्रंट कार्बन बोलेंगे, और फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन हम डायरेक्टली डॉट को अटैच कर रहे हैं। और जो सेकंड कार्बन होगा, जिसको हम रेयर कार्बन बोलेंगे, तो रेयर कार्बन को क्या कर रहे हैं हम लोग, शो करने के लिए सर्कल बना रहे हैं छोटा सा, है ना, सर्कल सेकंड कार्बन के लिए, जो कि रेयर कार्बन यानी पीछे वाला कार्बन होगा। तो उसको जब हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा तो वहाँ पे अटैच कर रहे हैं, मतलब सर्कल को अटैच कर रहे हैं, जैसे ये है ना, जैसे इस फॉर्म में, ठीक है, जैसे इस फॉर्म में, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये एक न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला है, किसका, इथेन मॉलिक्यूल का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। तो यहाँ पे और भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया इथेन का, तो जो डॉट फॉर्म बता रहे हैं, तो डॉट कार्बन कौन सा होगा, फ्रंट वाला कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन होगा, जो कि सामने रहेगा, और उसके हाइड्रोजन्स डायरेक्टली हम उस डॉट को अटैच करके निकालेंगे, डायरेक्टली उस डॉट को अटैच करके निकालेंगे। और जो रेयर कार्बन होगा, पीछे वाला सेकंड कार्बन होगा, तो उसको छोटा सा सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बना के उसके सर्कल से ही उसको बॉन्ड अटैच करेंगे हाइड्रोजन वाले, जैसे आपको नज़र आ रहा है ना। ये तीन फ्रंट कार्बन के और ये तीन सर्कल के साथ में जो अटैच हैं, वो उसे रेयर कार्बन के, फ्रंट एंड रेयर, मतलब सामने वाला और पीछे वाले कार्बन के। तो सेकंड कार्बन को सर्कल से बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, बताया जाता है, और फ्रंट कार्बन को डॉट से बताया जाता है। यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। अब इसी को अगर से मान लो इसको मैं फार्मूला रिप्रेजेंटेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू न्यूमन प्रोजेक्शन अगर से कहूँ, तो इसका सेकंड फार्मूला भी हम बना सकते हैं, सेकंड भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सेकंड कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे सिंगल, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, ये फ्रंट कार्बन होगा आप, है ना, कौन सा कार्बन होगा, फ्रंट कार्बन होगा। अब इसका जो सेकंड कार्बन हम बनाएंगे, तो ये सर्कल, ठीक है,
क्या रहेगा, सर्कल रहेगा, और इसी को हम हाइड्रोजन से अटैच करेंगे। देखो ये हाइड्रोजन, ये सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, सेकंड फॉर्म में। और इसके अंदर में बहुत सारी कहानियां हैं कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो मतलब इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्या, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल है ना तकरीबन ना के बराबर होता है, एक के पीछे एक छुपे होते हैं, है ना, क्योंकि एक के पीछे एक क्या हो जाते हैं, छुपे हो जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा मैंने क्या किया है, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा है ना एंगल बना के लिखा है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज एक के ऊपर में एक लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा एंगल यहाँ पे क्या किया है मैंने, चेंज किया है, एक्चुअल में वो वैसे नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है तो मूवमेंट पॉसिबल होती है, मतलब कार्बन कार्बन क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो ये एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एंगल चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि अक्रॉस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल होता है, मतलब रोटेशन पॉसिबल होगा, जो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, याद रखना, ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड में ही रोटेशन पॉसिबल होता है ना। जैसे मान लो कि दो पाइप्स आपने लिए है ना, और दोनों एंड पे, दोनों पाइप के दोनों एंड पे हमने क्या किया, अलग अलग चीज़ों को अटैच कर दिया, और सिर्फ एक ही पाइप को आपको घुमाना है, तो पॉसिबल होगा नहीं होगा, पॉसिबल होगा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए सिर्फ पॉसिबिलिटी कहाँ होगी, सिंगल बॉन्ड में होगी, तो यही पॉसिबिलिटी की है, हमने इसको क्या किया, सामने वाले को थोड़ा सा घुमा दिया, तो ऐसे रोटेशन होगा उसका, है ना, क्या होगा ऐसे, एक तो क्लॉकवाइज होगा इस साइड में, ये क्लॉकवाइज होगा, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रोटेशन सिर्फ पॉसिबल होता है सिंगल बॉन्ड के अंदर में, है ना, बाकी में नहीं होगा, ठीक है, ओके, है ना। और एक आएगा जिसको हम कहते हैं शोहर्स और एंडिरॉन प्रस्पेक्टिव फार्मूला, शोहर्स और एंडिरॉन और प्रस्पेक्टिव फार्मूला। तो अब इसके अंदर में जो हम देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर में क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है ना, स्ट्रेट लाइन आती है। तो लाइन के अंदर में जो कार्बन नज़र आएंगे है ना, लोअर एंड और फ्रंट एंड में, तो लोअर एंड में जो कार्बन आता है लाइन के अंदर में, लोअर एंड में जो कार्बन आएगा वो फ्रंट कार्बन रहेगा, है ना। हम देखते हैं शोहर्स प्रोजेक्शन, है ना, क्या देखना है, शोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, शोहर्स प्रोजेक्शन, ओके। चलिए आप शोहर्स प्रोजेक्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे पॉइंट्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए शोहर्स प्रोजेक्शन, है ना, शोहर्स प्रोजेक्शन या तो एंडिरॉन या प्रस्पेक्टिव फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे मान लो कि हम यही एग्जांपल ले रहे हैं, अलग अलग टाइप से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर में होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, लाइन, है ना, लॉन्ग स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन आपको पता है, ये ऐसे वाली लाइन है ना, स्लैंटिंग लाइन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइन, ठीक। अब ये स्लैंटिंग लाइन में होता क्या है कि जो लोअर एंड होगा, है ना, यहाँ पे ये क्या रहेगा, लोअर एंड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक कार्बन पे तीन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये वाले कार्बन पे कितने हैं, तीन, ऐसे टाइप से, मतलब ये क्या बताएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और एक बचा तो वो क्या रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये हाइड्रोजन, ये फर्स्ट वाले कार्बन का हो गया एक कार्बन, है ना। अब जो बचा हुआ कार्बन है उसके बारे में देखेंगे, तो अब बचे हुए कार्बन के अंदर में क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना, ये वाला हाइड्रोजन रहेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, और आप देख सकते हैं और एक बचता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं इस टाइप से, है ना, तीन कार्बन, दो कार्बन तीन हाइड्रोजन, 1 2 3। अब ये स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइन के अंदर में जो फ्रंट कार्बन होगा, तो फ्रंट कार्बन जो होगा, तो है ना, जो लोअर एंड होगी स्लैंटिंग लाइन की, तो वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट कार्बन को, फ्रंट कार्बन को, ये कौन सा बताता है, फ्रंट कार्बन, दिस वन इज फ्रंट कार्बन, कौन सा रहेगा, फ्रंट कार्बन, है ना, और वो कौन सा रहेगा, रेयर कार्बन, जो अपर जो बता रहा है ना, तो वो कौन सा होगा, ये फ्रंट कार्बन, और ये रेयर कार्बन जो कि अपर साइड में होगा,
ये अपर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेयर कार्बन, और ये फ्रंट और इट इज कॉल्ड है ना लोअर कार्बन। लोअर कार्बन क्या बताता है? सामने वाला कार्बन है ना नीचे, तो ये कार्बन क्या रहेगा? लोअर कार्बन मतलब क्या रहेगा? ये कार्बन नंबर फर्स्ट रहेगा और ये कार्बन सेकंड बताएगा। आ गया समझ में? ठीक है, फर्स्ट बताएगा और ये सेकंड बताएगा। ठीक है, टू कार्बन्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल होता है, मतलब यहाँ पे हम एक कार्बन को रोटेट कर सकते हैं, फिर इस वाले कार्बन को भी क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा शोर्स प्रोजेक्शन या तो फिर एंडीरॉन प्रोजेक्शन और प्रस्पेक्टिव फार्मूला। ठीक है, ये होगा, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए आगे जाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देकर आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको आगे आगे ये चीज़ें यूज़ में आएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो क्लासिफिकेशन और अगले वाले पॉइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।